हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। केवीएस भर्ती से जुड़े हुए आपके कुछ सवाल हैं जो आप कमेंट्स में पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा इस पर एक सीधे वीडियो ही बना देती हूँ और उनमें से आज जितने कमेंट्स के मैं आंसर दे पाऊँगी आंसर दे दूँगी। और इसके अलावा बाकी मैं आगे चल करके जब भी फ्यूचर में कोई नेक्स्ट वीडियो सवालों से जुड़ी हुई बनाऊँगी केवीएस की, तब मैं उसमें आंसर दे दूँगी। और आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं आपकी जो भी परेशानियाँ हों केवीएस से रिलेटेड, ठीक है? तो मैं आपको टाइम टू टाइम उसकी जानकारी प्रोवाइड कराती रहूँगी। तो सबसे पहले जो एक चीज़ पूछी जा रही है बहुत ज़्यादा कि सीटेट के लिए अक्सर अप्लाई होना ज़रूरी है, क्या सीटेट पास होना या क्वालिफाई होना ज़रूरी नहीं है केवीएस देने के लिए? तो देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं, आप किसी भी स्टेट में अगर आप एग्ज़ाम देते हैं शिक्षक भर्ती के लिए, तो आपको वहाँ उस स्टेट के यानी उस राज्य की पात्रता परीक्षा को पास करना ज़रूरी है, ठीक है? जब तक आप शिक्षक बनने के पात्र ही नहीं हैं तो आप शिक्षक भर्ती में जा कैसे सकते हैं, ठीक? तो इसी तरीके से केंद्र विद्यालय पर में भी होता है कि अगर आप केंद्र विद्यालय में पीआरटी और टीजीटी के टीचर बनना चाहते हैं तो पहले आपको उसकी पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट पास करना होगा, ठीक है? जब आप उसकी पात्रता परीक्षा पास करेंगे तो वो पात्रता परीक्षा ही बताएगी आपकी कि आप पात्र हैं या नहीं है केवीएस पीआरटी या टीजीटी का एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है? तो इस चीज़ को बहुत ही आप क्लियरली समझ लीजिए। लेकिन जिन बच्चों ने सीटेट का अभी तक पास नहीं किया है एग्ज़ाम, पर जो इस बार सीटेट का एग्ज़ाम होना है दिसंबर में, उसके लिए अप्लाई कर दिया है, और अगर मान लीजिए नवंबर में केवीएस की भर्ती आ जाती है, तो वो बच्चे क्या करें? तो वो बच्चे भी केवीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? ये उन बच्चों के लिए। तो इस चीज़ को आप समझने का प्रयास करिए कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। केवीएस में अप्लाई करना, केवीएस का पेपर देना अलग चीज़ होती है। केवीएस का पेपर देने के बाद आपने उसको पास कर लिया, लेकिन आपके पास सीटेट ही क्वालिफाई नहीं है, तो क्या आप सेलेक्ट हो जाएंगे? नहीं, ठीक है? सीटेट क्वालिफाई करना भी ज़रूरी है। और अगर आप केवीएस भी पास कर लेते हैं और लकीली आपका सीटेट भी दिसंबर वाला पास हो जाता है, तो फिर बिल्कुल आप आगे की प्रोसीडिंग में जा सकते हैं। और अगर आप नहीं पास कर पाते हैं तो फिर कोई बात नहीं, आप फिर आगे चल के करिए, ठीक है? तो सीटेट के बिना भी यानी कि आप अप्लाई कर सकते हैं केवीएस में, अगर आपने सीटेट के लिए अप्लाई किया हो, भले उसका एग्ज़ाम ना हुआ, भले आपने पास ना किया हो, लेकिन सीटेट पास होना भी ज़रूरी है। और किस पोस्ट के लिए? पीआरटी और टीजीटी के लिए, क्योंकि इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि क्या पीजीटी के लिए भी सीटेट होना ज़रूरी है। तो देखिए, जो सीटेट प्राइमरी है वो पीआरटी के लिए है यानी केवीएस पीआरटी के लिए, सीटेट जो जूनियर है वो केवीएस टीजीटी के लिए। पीजीटी के लिए फ़िलहाल ऐसा कोई भी पात्रता परीक्षा नहीं है, और अगर ऐसी कोई पात्रता परीक्षा होगी तो जब भी कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी केंद्र सरकार की तरफ से तो हमें पता चल जाएगी, और जैसे ही हमें पता चलेगी हम आपको उसके बारे में जानकारी प्रोवाइड करा देंगे। तो फ़िलहाल अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकेंड चीज़, एक क्वेश्चन जो काफ़ी पूछा जाता है कि इसमें जो सीटेट का सर्टिफिकेट है उसमें, जैसे कि यूपी टेट में होता है या अदर टेट में होता है कि जनरल 90 पे पास है बट ओबीसी है उसको वो 82 पे पास है, या अदर कोई है तो वो और कम पे पास है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल हैं बच्चों के माइंड में कि अगर हमारे 85 मार्क्स हैं या 83 मार्क्स हैं तो क्या हम सीटेट पास हैं, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं केवीएस के लिए? तो देखिए, सीधी सी बात है, आपके कितने भी मार्क्स हों, 80 मार्क्स हैं, 82 हैं, 83 हैं, 85 हैं, 86 हैं, व्हाटएवर जितने भी मार्क्स हैं, ठीक है? डिजी लॉकर से आपने अपना मार्कशीट या सर्टिफिकेट निकाला होगा, नहीं निकाला होगा तो एटलीस्ट आप जाकर के डिजी लॉकर पर अपने मार्कशीट और सर्टिफिकेट देख लीजिए। जो आपका सर्टिफिकेट है जहाँ पर आपके मार्क्स दिए हैं, मार्क्स के जस्ट नीचे लिखा हुआ है, वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ होगा क्वालिफाइड या तो फिर नॉट क्वालिफाइड। अगर वहाँ पर क्वालिफाइड लिखा है तो मतलब आप केवीएस का एग्ज़ाम देने के पात्र हैं, यानी आपने सीटेट क्वालिफाई कर लिया है। अगर नॉट क्वालिफाई लिखा है मतलब आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं है। यहाँ एक किसी पर्टिकुलर बच्चे के मार्क्स लेकर के नहीं बता रही हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि थोड़ा सा एफर्ट आप खुद करें और सारे बच्चों के माइंड से ही ये बिल्कुल क्लियर हो जाए, वरना कल फिर से कोई बच्चा कमेंट करेगा कि हमारे 82 हैं कि हम क्वालिफाई हैं, फिर परसों कोई कमेंट करेगा हमारे 79 हैं कि हम क्वालिफाई हैं। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपना सर्टिफिकेट निकालिए, उसमें देखिए कि जो आपके स्कोर दिए हुए हैं, आपके मार्क्स दिए हुए हैं, उसके नीचे क्या लिखा है, क्वालिफाइड लिखा है कि नॉट क्वालिफाइड लिखा है। क्वालिफाइड है तो आप क्वालिफाइड हैं, नॉट क्वालिफाइड लिखा है तो आप क्वालिफाई नहीं हैं, ठीक है? तो ये बहुत ही एक ईजी सा स्टेप हो गया आपको जानने के लिए, ठीक है? तो एक क्वेश्चन ये हो गया। इसके बाद जो एक क्वेश्चन बहुत पूछा, ये सीटेट के मार्क्स जो हैं वो केवीएस में काउंट होते हैं या नहीं होते हैं? तो देखिए, अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं है कि केवीएस के मार्क्स केवीएस का जो मार्क्स होता है उसमें सीटेट के मार्क्स काउंट होते हैं या नहीं। केवीएस की जो भी पोस्ट होती है पीआरटी या टीजीटी की, उसमें आपके जो रिटर्न मार्क्स हैं वो
काउंट किए जाते हैं, और जो साथ साथ आपके इंटरव्यू के मार्क्स हैं वो भी काउंट किए जाते हैं। लेकिन सीटेट के मार्क्स के लिए अभी तक ऐसा कुछ नहीं था, आगे अगर कोई ऐसा नया रूल आता है तो मैं आपको उसकी जानकारी प्रोवाइड करा दूँगी। तो अभी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और तैयारी आप ऐसे ही करिए कि आपके अच्छे मार्क्स आएँ। सिर्फ इसलिए पढ़ना कि मतलब आपको पता चल गया कि नहीं केवीएस में सीटेट के मार्क्स काउंट नहीं होते, तो बस इतना पढ़ लेते हैं कि जस्ट पास हो जाएँ, क्वालिफाई कर लें, बस हो गया। और क्या पता चले कि आगे चल के कोई ऐसा रूल आ जाए कि केवीएस में सीटेट के भी मार्क्स क्वालिफाई होने लग जाएँ, तब आप क्या करेंगे। तो पढ़ाई जब आप कर ही रहे तो अच्छे से कर लीजिए, 50% 60% आप पढ़ रहे हैं, इससे बेहतर है कि 70-80% पढ़ लीजिए, 100% पढ़ लीजिए, ठीक है, जब पढ़ना है ही। और वो पढ़ाई आपकी वेस्ट तो जाएगी नहीं, क्योंकि सीटेट में जो जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, जो आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं, वो कहीं ना कहीं आपके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके केवीएस में भी हैं, तो केवीएस में भी आपके काम आने, तो वेस्ट तो जाना नहीं है। तो इसलिए आप तैयारी अच्छे से ही करिए, 100% वाली ही करिए। तो आज कुछ कमेंट के आंसर दे दिए हैं मैंने, नेक्स्ट वीडियो में जब मैं कमेंट्स के आंसर दूंगी, तब तक आप लोग और भी जो भी आपके केवीएस से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं वो मुझे कमेंट करके पूछ दीजिए। और अगर आप केवीएस पीआरटी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं केवीएस भर्ती से रिलेटेड कोई भी जानकारी पोस्ट करूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन प्रोवाइड हो जाए। तैयारी करते रहिए, मन लगा करके मेहनत करिए, आप सफल ज़रूर होंगे। मोटिवेशन रखिए अपने आप को, और किसी भी तरह की अफवाह में ना पड़िए, और अपना मोटिवेशन बिल्कुल भी डाउन ना होने दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।